values orientation. It is not that all youth are into that, but every one has their ulterior motive, ulterior side to it, and this film reveals all. आपके किरदार की बात करें तो किस प्रकार के किरदार हैं आपके इस फिल्म में? मेरा किरदार एक इट इज़ अबाउट अ जिल्टेड लवर हु कम्स बैक टू टेक अ रिवेंज हु हैज बीन डिच्ड बाई फ्यू फ्रेंड्स एंड ही कम्स बैक एंड टेक्स रिवेंज. और कौन कौन स्टारकास्ट है, स्टारकास्ट के बारे में अगर कोई बताना चाहे? इसमें मूवी में राम गौरव पांडे इज प्लेइंग द लीड, आई एम प्लेइंग द सेकंड लीड. बेसिकली जो भी मूवी में रिवेंज ले रहे हो मेरी वजह से ले रहे हैं, तो मैंने इनके साथ कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से ये वो रिवेंज ले रहे हैं. एंड बेसिकली देर आर टू मोर गाइज इन द फिल्म एंड देर आर फोर फीमेल्स इन द फिल्म. वन इज़ नेहा, वन इज़ भावना. सो बेसिकली देर आर 6 to 7 गाइज एंड ऑल हैव देयर ओन पोटेंशियल रोल्स इन द फिल्म. एवरी वन हैज़ देयर ओन इम्पोर्टेंस इन द फिल्म. इनफैक्ट अगर आप सोचें या मतलब देखें कि फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल आर कैरेक्टर्स. फिल्म देखने के बाद आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि हाँ शायद इस फिल्म में कोई वो मेन विलन या मेन हीरो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बेसिकली स्क्रिप्ट इज द हीरो ऑफ द फिल्म. स्क्रिप्ट इज द हीरो ऑफ द फिल्म. सो व्हाट एग्जैक्टली विल बी द यूएसपी ऑफ द फिल्म? स्क्रिप्ट, द कंटेंट ऑफ द फिल्म. फिल्म में बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं. इनफैक्ट जब आप फिल्म देखेंगे डायलॉग्स, इट इज़ रिटन बाय अ फीमेल सीमा दास, तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक फीमेल ने इस तरह के डायलॉग्स लिखे हैं. इवन एंड जो डायलॉग्स हैं वो भी काफ़ी हद तक मतलब कंटेंट को और इंटेंसिटी को मोल्ड करके चल रहे हैं. लाइक देयर इज अ स्ट्रिपिंग सीन गोइंग ऑन एंड उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग है जो कहता है कि क्या लगता है तुमको, कृष्णा आएगा आज? कोई कृष्ण नहीं आएगा. जानते हो क्यों? क्योंकि तुम में से कोई द्रौपदी नहीं है. सो दीज काइंड ऑफ डायलॉग्स आर द जान ऑफ द फिल्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और फिल्म के डायलॉग्स मतलब हार्डकोर हैं और फिलोसॉफी भी, फिलोसॉफिकल भी हैं, लेकिन हार्डकोर हैं, रॉ हैं. मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए तो पैसा वसूल फिल्म. पैसा वसूल फिल्म. आप जैसे स्क्रिप्ट के वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट थी, तो क्या जरूरत पड़ी कि फिल्म को इतना बोल्ड भी दिखाने की, मतलब बोल्ड सीन या फिर क्यों इसकी आवश्यकता? फिल्म की रिक्वायरमेंट है, स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फिल्म को स्पेशली बोल्ड बनाने के लिए बोल्ड बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो बहुत ज़रूरी था. इट वॉज द नेसेसिटी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट दीज थिंग्स आर बींग कैरीड ऑफ. बोल्डनेस सिर्फ विजुअल नहीं है. बोल्डनेस से आप ये मत समझो कि दे विल बी स्किन शो, दे विल बी लाइक बोल्डनेस. वी आर नॉट सेइंग कि बोल्डनेस का मतलब सिर्फ ये वहाँ पे विजुअली है. बोल्डनेस मीन्स इवन इन द डायलॉग्स, इवन वट एवर इज हैपनिंग, इवन इफ ही इज बीटिंग समवन, इवन इफ ही इज ड्रैगिंग समवन, दैट्स ऑल्सो लाइक हैज बीन शूटेड इन अ वे दैट इट विल मेक यू फील वेरी लाइक इट्स अ वेरी बोल्ड फिल्म. वो बोल्डनेस इट्स नॉट जस्ट विजुअल, वो हर चीज़ में बोल्डनेस है मूवी के अंदर. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, कब फिल्म रिलीज होगी, किस तरह से आप लोग रिलीज करेंगे, कुछ कहना चाहे उसके बारे में? मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन 30th October एंड डेफिनेटली इट्स अ यूथ फिल्म एंड प्लीज डू कम वॉच दिस फिल्म बिकॉज इट्स गोना चेंज योर थाट्स अबाउट लाइफ, इट्स गोना चेंज द वे यू थिंक. और आप को बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा इस फिल्म को देख के. इट्स नॉट के आपको सिर्फ एक क्या कहते हैं, आप आओगे और आप बैठोगे और एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से चले जाओगे. आपको फील होगा और आप हर इंसान अपने अंदर झांकेगा ये फिल्म देखने के बाद. बस थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. एक्चुअली आप देखें तो ये बहुत डिफरेंट टाइप की फिल्म है. इस फिल्म के अंदर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट को रियल रखा गया है. जितनी रियलिटी हो सकती है फिल्म के अंदर प्रोवाइड करी गई है. सीन्स से लेकर इसकी स्क्रिप्टिंग तक, इसकी टेक्निकल टीम तक, मिस्टर राजकुमार हिंदुस्तानी ने बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली इसको बनाया है. और बनाने से पहले भी इस फिल्म पे काम करा है उन्होंने सारा. और ये अपने में एक डिफरेंट ही फिल्म है. आप अगर ये बोलें कि इस फिल्म को आप किससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इस फिल्म में सब कुछ है आपके लिए. सब कुछ से मेरा मतलब है कि इसके अंदर रोना भी है, धोना भी है, और इसके अंदर सस्पेंस भी है, थ्रिलर भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म. एक्चुअली जब ये फिल्म स्टार्ट होती है तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि एंड कैसे होगी. हाँ. जब वो धीरे 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 चलती है तो फिल्म एक अलग ही लेवल पे आ जाती है. हुँ. जो सोचा भी नहीं होगा. एक नॉर्मल से सारे फ्रेंड होते हैं जो मतलब कॉलेज टाइम से फ्रेंड होते हैं और चलते रहते हैं फिर एकदम से. आपके किरदार की बात करें तो किस प्रकार का किरदार है इसमें आपको? या कैरेक्टर हम सब फ्रेंड होते हैं, ऐसा कुछ खास किरदार नहीं है. कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी ये वर्कशॉप अपने रोल के लिए आपको? इस हाँ इस
इसमें सारे तो एक्चुअली सर ने इस तरीके से हम लोग सर ने एक्चुअली हम लोग को पहले ही छोड़ दिया था. हम सारे बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए थे. फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने हम लोग इतने अच्छे फ्रेंड हो गए थे सेट पे, जो हमको जब डायलॉग नेगेटिव डायलॉग जो आने लगे तो हमें शूट करना था, तो रियल में जब हमें बोला जाता था, जब हमारे फ्रेंड्स हमको ये डायलॉग बोलते थे तो हमें लिटरली हर्ट होता था, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे बन गए थे. अब नेगेटिव सुनना हमें अच्छा भी नहीं लगता था. इनफैक्ट प्रैक्टिस इतनी करी थी कि जैसे कोई सीन हो रहा है और ये सीन के अंदर अच्छा हाँ रिहर्सल में यार तूने ऐसे बोला था, अरे हाँ तू वैसे वाला बोलना फिर से, मतलब पूरी प्रॉपर के साथ करा गया था इस फिल्म के अंदर. और परसेंटेज ऑफ एरर मैं बोलूँ कि जैसे हिंदी फिल्म्स के अंदर होता है कि मोस्टली फिल्म्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत गलतियाँ मिल जाती हैं या प्लॉट के अंदर कमी मिल जाती है, या अगर आप देखें कि आप सस्पेंस गैस कर सकते हैं अच्छा अब हीरो हीरोइन को बचा लेगा और या फिर अब विलन मारा जाएगा, तो इस चीज़ के अंदर आप इस फिल्म के अंदर गैस नहीं कर सकते लास्ट तक कि होने क्या वाला है. ऑडियंस के अंदर दिमाग में ये रहेगा, क्यूरियोसिटी रहेगी कि मतलब अब क्या होने वाला है इस फिल्म के अंदर, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है. तो इस काइंड की थोड़ी डिफरेंट फिल्म है. जी जी नेहा जी. बात करें विलन की तो बताया जा रहा है जैसे कि विलन है ही नहीं इस फिल्म में, और विलन जब तक हीरोइन का साड़ी नहीं उतारे तब तक फिल्म नहीं हिट होती. तो द्रौपदी ने साड़ी पहनना ही छोड़ दिया, जींस पे आ गई है द्रौपदी, क्या कहना चाहेंगे? द्रौपदी जींस पे आ गई नहीं नहीं, हम ऐसा उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो तो भगवान जैसे थे और हम द्रौपदी का नाम नहीं, मतलब उनके साथ आपको भी और सब जो प्रेशर्स हैं उनको सब एक साथ लाने में और अच्छी एक्टिंग कराने में. वही जैसे आपको नेहा ने बताया कि एक्चुअली क्या होता क्या है, जैसे हम देखें कि डायरेक्टर जो होता है ना सारी कमांड उसके हाथ में होती है फिल्म की. अगर आपका डायरेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो आपके एक्टर एक्टिंग भी कर लेते हैं, आपकी फिल्म भी अच्छे से बन जाती है. तो इस सीन के अंदर सर ने हम लोगों को मतलब जैसे कहते हैं ना कास्ट के साथ, मैं भी था जब ये लोग रिहर्स कर रहे थे, और मतलब इस चीज़ के अंदर इतने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई गई थी कास्ट को कि कहीं से कहीं तक कोई भी मतलब हल्का ना लगे. जैसे मैंने बताया कि सर ने इसको इतना ज़्यादा रियल रखने की कोशिश करी है फिल्म के अंदर, और इतनी ज़्यादा रियलिटी है फिल्म के अंदर कि कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे कि यार हाँ ऐसा हो रहा है. यार अगर आप फिल्म निकल के बाहर निकलेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार एक्चुअली ऐसा हो रहा है हमारे आसपास के अंदर. प्रिपरेशन की जहाँ तक बात करें तो ऐसा डिफ़िकल्टीज नहीं आई थी प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि सारी पहले से ही रिहर्सल्स हुई थी, वर्कशॉप्स हुई थी. इनफैक्ट सर ने हम लोगों के लिए कॉटेज बुक कराया था और उसके अंदर सर ने एक डेढ़ महीना सबको स्टे कराया था कि पहले आप सारे गेट अलॉन्ग हो जाओ, यहाँ के मूड से आ जाओ, क्योंकि बेसिकली सारे डिफरेंट सिटीज से थे. सर ने जो है हम लोगों को पहले से ही स्टार्ट कर दिया था कैसे 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 करना है, तो हम लोग कहीं कहीं ऐसा होता था कि हम अपना नाम भी भूल जाए. हाँ इनफैक्ट जैसे एक सीन के अंदर आपको मैंने बताया था कि जो एक सीन है जिस सीन के ऊपर सबसे ज़्यादा बात हो रही है नेहा के साथ ही स्टार्ट हुआ था एक्चुअली. वो सीन जब दे रहे थे तो हुआ ये था कि नेहा बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी उस सीन के अंदर, और मतलब सीन था नेहा स्टार्टेड क्राइंग उस सीन के अंदर बहुत बुरे तरीके से. मैं बताना चाहूँगी हाँ. एक बार हुआ क्या था कि जो स्क्रिप्ट सीन की बात चल रही है जिसको, तो उस टाइम पे मैं इनिशियली आई वाज नर्वस, कंफ्यूज थी, सब कुछ थी. उसके बाद में फिर सर ने हमें समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा. तो फिर सर ने और समझाया, मतलब काफ़ी देर तक सर ने वो सीन को हम लोग को ये करने के लिए हिम्मत देने के लिए मोटिवेट देने के लिए बहुत देर तक समझाया. उसके बाद में हम लोग रेडी हुए. रेडी होने के बाद में उस कैरेक्टर में मैं इतनी चली गई आई वॉज लिटरली क्राइम, और इतना रोने लगी जब कैमरा स्टार्ट रहा. कैमरा मैन क्रेन सर इन्होंने ये खुद तो रोई, इन्होंने साथ साथ जो फिल्म कर रहे थे हमारे, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया. साहिल और नेहा हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. साहिल, 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 साहिल